इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। बीते गुरुवार को ही बीजेपी मुख्यालय पर देर रात तक सीईसी की बैठक चलती रही, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस बैठक में 100 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। जल्द ही आधिकारिक लिस्ट के सामने आने की संभावना है। लेकिन इस बीच हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी चुनाव में टिकट काटने और बांटने का रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाती है। दरअसल इसके लिए बीजेपी का 7-पॉइंट फॉर्मूला है, जिसमें पहले नमो ऐप पर जनता से फीडबैक लिया गया। जनता से अपने अपने क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए। पिछले 2 सालों में बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम की रिपोर्ट मांगी गई। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट ली गई। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और फिर उनसे रिपोर्ट ली गई। राज्य की चुनाव समिति से रिपोर्ट मांगी गई। प्रदेश संगठन और आरएसएस से जमीनी फीडबैक लिया गया। इन 7 चरणों को पूरा करने के बाद ही बीजेपी अपने हर एक उम्मीदवारों का नाम तय कर रही है। इस फिल्ट्रेशन के बाद तय हो रहा है कि इस बार जिताऊ उम्मीदवार कौन है और कौन बीजेपी के 370 वाले लक्ष्य को पूरा करने में बाधक है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक नए कलेवर के साथ उतरने के मूड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर सांसदों व मंत्रियों का टिकट काटा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस बार 60 से 70 सांसदों का टिकट कट सकता है। साथ ही यूपी बिहार समेत कई राज्यों से आने वाले मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके और उम्रदराज हो चुके सांसदों को बाहर कर नए चेहरों को मौका दिया जाना भी तय माना जा रहा है। 2019 में भी टिकट बांटने के दौरान पीएम मोदी ने यही फॉर्मूला लगाया था। 2019 में 99 ऐसे सांसद थे जो लगातार 2 बार जीत चुके थे। 2019 में इन 99 सांसदों में से 44 का टिकट कट गया था। 2024 में बीजेपी के 149 ऐसे सांसद हैं जो 2 लगातार बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं 149 में से 60 से 70 सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। टिकट कटने की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि 2019 में 37% वोटर ने ही उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट किया, बाकी पार्टी देखकर वोट कर देते हैं। ऐसे में जहां पर नाराजगी की जरा सी भी गुंजाइश है, वहीं पर टिकट कटने की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट सभी को चौंका सकती है। कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, उनकी जगह दूसरों को मौका मिल सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार बीजेपी किसे मौका देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।